परमहंस का भी नंबर आने वाला है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहियो कौनो तिराहे चौराहे पर मिल जाए, उनके ऐसा पिछवाड़ा दागल जाई कि एक तरफ का करिया कदल जाए, एक तरफ का लाल कदल जाए। ये तो मानवता के दुश्मन है परमहंस आचार्य, ये सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, और सबसे बड़े ये जिहादी हैं कि जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे। अरे हमने तो पहलवा भी कहा था ना कि जो राम को लाए हैं राम उनको भगाएंगे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जननी आरएसएस है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है 72-72 पेपर आउट हो गए, मीडिया छेदी राम बेदी राम पर कर रही है। प्रदीप कुमार जोशी सबसे बड़ा जो है पेपर आउट कराने का सरगना है। दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश की दोनों धर्मनगरी, चाहे प्रयागराज, इलाहाबाद संगम हो चाहे अयोध्या, भाजपा हार गई। इसका प्रतिक्रिया है कि लोग तरह तरह के सोशल मीडिया पे अयोध्या वासियों को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ जाना प्रसाद मत लेना, हार मत खरीदना, वहाँ खाना मत खरीदना, तो ऐसा क्या लगता है? जबकि वहाँ भाजपा प्रत्याशी दूसरे नंबर पे काफ़ी जनता को वोट दिया, तो क्या जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह गाली टिप्पणी कर रहे हैं क्या वो सही है? पहले तो जो इस तरह का अथू कर रहे हैं, अभी एक आध दो ठो हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की जुबान पर तो ताला लग गया है। जो कुछ धर्माचार्य फर्जी जगत गुरु बनने वाले हैं वह इस तरह कहते हैं कि वह जो है कि मुगलों की औलाद हैं, अकबर की औलाद हैं, औरंगजेब की औलाद हैं, और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है, दगाबाजी किया है, नमक हरामी किया है, उन्हें अयोध्या का प्रसाद नहीं खाना चाहिए, अयोध्या का सामान नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं तो पहले उनको सलाह दूंगा कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं तो उनको पहले अयोध्या से बाहर हो जाना चाहिए। और जो परमहंस आचार्य इस तरह के बिगड़े बोल हैं, परमहंस आचार्य तो भगोड़ा खुद है, रेपिस्ट है, वो सीधी से लतवाही कुटवाही पिटवाही करके खदेड़ा गया तो अयोध्या में आके शरण लिया हुआ है। तो परमहंस आचार्य राजू दास की तो लतवाही कुटवाही ताज होटल में हुई थी, आपको तो मालूम होगा। परमहंस का भी नंबर आने वाला है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहियो कौनो तिराहे चौराहे पर मिल जाए, उनके ऐसा पिछवाड़ा दागल जाइए कि एक तरफ का करिया कदल जाइए, एक तरफ का लाल कदल जाइए। ये आप मल्टी कलर क्यों करेंगे? नहीं, मल्टी कलर तब है तो मालूम होगा ना कि देखो भैया तुम्हारा चाल चरित्र क्या है, उनका चाल चरित्र भी दिखाई देना चाहिए ना। ये देखो संत जो है, महात्मा जो है, तो उसको लिए हिंदू मुसलमान की बात करना, भारत पाकिस्तान की बात करना, इस तरह की बात करना शोभा नहीं देता है। चाहे कोई धर्माचार्य हो, चाहे हमारे मौलवी हों, चाहे हमारे जो है कि हिंदू समाज के सनातन परंपरा के साधु संत महात्मा हो, इस तरह की अगर बात करते हैं तो उनके अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है। ये तो मानवता के दुश्मन है परमहंस आचार्य, ये सब ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, और सबसे बड़े ये जिहादी हैं जो धर्म का डमरू बजा करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। पहला दावा कर रहे थे ना कि जो राम को लाए हैं राम उनको लाएंगे, अरे हमने तो पहलवा भी कहा था ना कि जो राम को लाए हैं राम उनको भगाएंगे। अयोध्या में हार गए, बोलती बंद हो गई। अयोध्या ना ही हारे, अयोध्या का पाँचों लोकसभा का सीट बाराबंकी भी हारे, अमेठी भी हारे, सुल्तानपुर अम्बेडकर नगर भी हारे, और दूसरी धार्मिक नगरी आप देख लो प्रयागराज संगम पर 44,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे। अरे बेईमानो, तुम धर्म की धारा में बहाना चाहते हो, ये जनता, ये बच्चों का भविष्य अंधकार किया पेपर आउट करके। आप देख लो रामपथ में गड्ढे ही गड्ढे हो गए, सड़कों में धस गई, और एक कई बरसात में राम मंदिर का जो है ना लीक हो गया, जैसे पेपर अभी तो निर्माण अधूरा है ना, अभी तो कह रहे अभी मंदिर का काम चल, अधूरा मंदिर का काहे को लिया भैया? अरे हिंदू धर्म वाले हैं ना हम तथाकथित हिंदू हैं, तो चैत्र शुक्ल नवमी को राम का जन्म मनाया जाता है हर हिंदू के परिवार में। अब 22 जनवरी को ये राम का जन्म कहाँ से मना लिए भैया? राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, राम के आधे अधूरे मंदिर का निर्माण क्यों कर दिया? सनातन परंपरा के साधु संत धर्माचार्य शुक्रा जगत गुरु तमाम शंकराचार्यों ने कहा कि यह धर्म विरोधी है, इस तरह नहीं किया जाना, अपशगुन होगा। अपशगुन तो देश के लिए नहीं हुआ, मेरे बच्चों के लिए या भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया, ये पेपर आउट कराया, पेपर लिखा। अब वो देखो दिल्ली का जो T1 टर्मिनल है ना एयरपोर्ट वाला, वो गिरगवा, जबलपुर का टर्मिनल गिरगवा, बिहार में 4 जो गडकरी जी पुल बनवा रहे हैं, 3 को पुलवा धराशायी होगा, मुंबई के सबसे बड़े अटल सेतु में भी दरार पड़ गई जिसका भी जनवरी में ये सब देखो भ्रष्टाचार करते हैं ना, ये कांग्रेस को कहते हैं भ्रष्टाचार की जननी है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जननी आरएसएस है, आरएसएस की संतति भारतीय जनता पार्टी है। आप देख लो कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है 72-72 पेपर आउट हो गए, उत्तर प्रदेश में आरओ यारो का हुआ फरौरिया में, फिर एक हफ्ता के बाद पुलिस भर्ती का पेपर आउट हो गया, फिर जवन है नीट UG और PG का आउट हो गया, फिर JRF नेट UGC का पेपर आउट हो गया। तो ये तो पेपर आउट कराने वाले हैं ना भैया, और ये कारनामा किसने किया? अब यही तो छेदी राम बेदी राम पर अंगुली उठ रही है ना। अरे बहुत बड़ा सिंडिकेट RSS का प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को बचाने के लिए मीडिया छेदी राम बेदी राम पर कर रही है। प्रदीप कुमार जोशी सबसे बड़ा जो है
पेपर आउट कराने का सरगना है। वो जब संघ लोक सेवा आयोग का वो चेयरमैन था तो 314 ओबीसी के लड़के जो आईएएस बन गए थे क्रीमी लेयर की गलत परिभाषा ईजाद करके 314 लड़कों को आईएएस की नौकरी से बाहर किया। ओम बिरला की लड़की को लेटर लिंडी से जो है आईएएस बनाने का काम किया और अभी नीट का पेपर आउट करा करके 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का काम किया। तो ये जनता माफ नहीं करेगी। ये छात्र नौजवान भारतीय जनता पार्टी से खार खाए हैं और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।